नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं करिश्मा सिंह। लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के बाद मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। कई जिलों का मौसम सुनहरा हो गया है। आपको बता दें कि पछुआ बहने के बाद पुरवैया बहने से मौसम में हल्की नमी आई है। इसके साथ ही मौसम में 4 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें 1 मई से 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी झेलने के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बिहार के कई हिस्सों में मौसम सुहाना हो गया है। पछुआ की परेशानी के बाद पुरवैया बहने से फिर से नमी आ गई है। इसके प्रभाव से अधिकतम पारे में 4 डिग्री की गिरावट आई है। पटना का अधिकतम तापमान भी पिछले 24 घंटे में 4 डिग्री नीचे आया है। मौसम विभाग ने 21 मई को 23 जिलों में आंधी पानी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी बिहार सहित दक्षिण पूर्वी बिहार में आंधी पानी की स्थिति भी देखने को मिलेगी। राज्य में कुछ जगहों पर 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और मेघ गर्जन के बाद बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक चक्रवाती परिसंचार की स्थिति बनी हुई थी। यह पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर शिफ्ट कर रहा है। इस चक्रवाती परिसंचार से मध्य बिहार से होकर निम्न दबाव की रेखा गंगोत्री पश्चिम बंगाल तक जा रही है। इसके प्रभाव से राज्य के उत्तरी भाग में उत्तरी पूर्वी हवा और दक्षिणी भाग में दक्षिणी हवा चल रही है। इसके परिणाम से राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर शेष भाग में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अगले 48 घंटे तक राज्य भर में हल्की बारिश और दोपहर में धूप भरी आंधी चलने का अनुमान है। मौसम में बदलाव से पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा राहत पटना के लोगों को मिली है। पारा 41 के पार चला गया था, जो लुढ़क कर 37 डिग्री के आसपास आ गया है। बुधवार की देर रात 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से हवा चल रही थी। इससे उमस और गर्मी से राहत मिली है। गुरुवार को नवादा और जमुई में तेज हवा के साथ साथ बूंदाबांदी भी हुई है। आपको बता दें कि अगले 48 घंटे में आंधी तूफान के साथ बारिश भी आने की संभावना है। इसके साथ ही पटना के लोगों को धूप से कड़ी राहत मिली है। पटना में पारा 41 डिग्री चला गया था, जो लुढ़क कर 37 डिग्री आ गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कुल 23 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 1 मई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अधिकतर जिलों में आंधी पानी के साथ बारिश आने की संभावना है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।